जैन साथियों, दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच का आदेश दे दिया, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। ये मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आप सबको याद होगा कि किस तरह से पूरा विपक्ष संसद के सत्र के दौरान यही कह रहा था कि जेपीसी बनाओ, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिरे से हम लोगों की मांग खारिज कर दी। आज ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार महाभ्रष्ट भी है, नाकारा भी है, और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सोचिए कि 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वो इतने बड़े घोटाले पे चुप है, जहां LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है, और मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोलकर उनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, 42,000 करोड़ रुपए का कालाधन अडानी की कंपनी में लगाया गया है। इतने सारे साक्ष्य मिलने के बावजूद मोदी सरकार ने जेपीसी बनाने से मना कर दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए आदेश देना पड़ रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी सरकार का चेहरा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उनका दावा आज पूरे देश के सामने खोखला साबित हुआ है।